अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है, और वहीं पर जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? क्या भगवान का न्याय ही गलत है, या फिर भगवान का न्याय सही है? क्या भगवान अच्छे लोगों के जीवन में ही अनेक दुखों को देते रहते हैं और बुरे लोगों के जीवन में हमेशा ही खुशियों को, सुखों को देते रहते हैं? आखिर सत्य क्या है? मित्रों, कभी कभी आप लोगों के भी मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा। आप लोगों ने भी कभी यह सोचा होगा कि मैं तो बहुत ही पुण्यात्मा हूँ, कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, ना ही हमने कभी कोई पाप किया। पशु पक्षी जानवर एवं अन्य जीवों के प्रति हमेशा ही हमने दया भाव रखा, एवं यहाँ तक कि किसी भी मनुष्य को भी हमने कभी भी प्रताड़ित नहीं किया। लेकिन तब भी भगवान मुझे इतना दुख क्यों देते हैं? क्या भगवान का न्याय ही गलत है? वहीं पर पापी मनुष्य जो अधर्मी हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें भगवान हमेशा ही सुखी रखता है। आखिर भगवान का न्याय कैसा है? क्या भगवान ऐसे ही न्याय करते हैं, या फिर भगवान ही नहीं हैं? मित्रों, कभी कभी आपके भी मन में ऐसी बातें आई होंगी। तो दोस्तों, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, अतः वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ना ही भगवान का न्याय गलत है और ना ही भगवान गलत है। मित्रों, मनुष्य दुख और सुख को तो भोगता ही है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुख और सुख अन्य जीव भी भोगते हैं? अन्य जीव अर्थात जैसे कि पशु पक्षी जानवर आदि। मित्रों, अपना दुख और दर्द अपने को ही दिखाई देता है, क्योंकि जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है वही जानता है कि हमारा दुख कैसा है। हम मनुष्य अपने दुखों को समझ पाते हैं, अपने कष्टों को किसी दूसरे मनुष्य से कह पाते हैं, लेकिन बेचारे जो अन्य जीव हैं, जो पशु पक्षी जानवर इत्यादि हैं, वह मूक प्राणी हैं, अर्थात वह मनुष्यों की तरह बोल नहीं सकते, वह अपनी बातें किसी अन्य को बता नहीं सकते, और हम मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने दुख और दर्द, अपनी पीड़ा को बता पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर किसी के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा है, जो एक अच्छा इंसान है, उसी के जीवन में भगवान इतना दुख, इतना कष्ट क्यों देते हैं? और वहीं पर जो अधर्मी व्यक्ति है, जो पापी है, जो दुराचारी है, उसको भगवान सुख देते हैं? लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस संसार में जो भी आया है वह अपने कर्म फलों को लेकर आया है, और उन्हीं कर्म फलों को वह भोग रहा है। मित्रों, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियामान कर्म, दूसरा है संचित कर्म, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म से आशय ऐसे कामों से है जो कर्म हम अभी अर्थात इस जीवन में कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सोचना, हमारी दैनिक दिनचर्या में होने वाली गतिविधियाँ, जैसे भोजन करना, नहाना, लोगों के प्रति अच्छा या बुरा व्यवहार करना आदि, यह सभी क्रियामान कर्म के अंतर्गत आते हैं। संचित कर्म से आशय हमने हमारे पूर्व जन्मों में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वह सब संचित कर्मों के अंतर्गत आते हैं। यह एक प्रकार के बैंक खाते के समान है जिसमें आपके पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्म संचित रहते हैं। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। हमारे संचित कर्मों में से ही कुछ कर्म हैं अब जिनका फल या परिणाम हमें मिलने वाला है, वह हमारा प्रारब्ध कर्म कहलाता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमारा जन्म कहाँ, कैसे, किसके यहाँ होगा, हमारा जन्म व मृत्यु कैसे होगी, हमारा विवाह कब, कैसे और किसके साथ होगा, यह सब निर्धारित होता है। मित्रों, प्रारब्ध कर्म को ही हम अपना भाग्य कहते हैं। तो मित्रों, मुख्य होता है कर्म, और कर्म से ही हमारा भाग्य और दुर्भाग्य बनता है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो इस जन्म में बुरे लोग हैं, जो पापी दुराचारी अधर्मी हैं, उनका पिछले जन्म में पुण्य कर्म फल शेष बचा हुआ होता है, अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि उन लोगों का पिछले जन्म का पुण्य कर्म फल शेष होता है जो इस जन्म में उन्हें सुख प्रदान करता है। लेकिन वह भी कब तक? जब तक उनका पुण्य कर्म फल शेष बचा हुआ है, क्योंकि बुरे लोग इस जीवन में अच्छे कर्म करके पुण्य फल को अर्जित तो कर नहीं रहे हैं, अर्थात वह अपने बचे हुए पुण्य कर्म फल को खर्च कर रहे हैं, और वह पुण्य कर्म करके अच्छे कर्म फल को अर्जित नहीं कर रहे हैं। तो तभी तक वो सुखी हैं जब तक कि उनका पुण्य कर्म फल अर्थात अच्छा कर्म फल शेष बचा हुआ है। जब यह अच्छा कर्म फल पूर्ण रूप से खर्च हो चुका होगा, तब उनके विनाश को कोई भी नहीं रोक सकता।
मित्रों, यह वैसे ही है जैसे आप कई वर्ष पहले धन को अर्जित करके उसको इस उद्देश्य से आपने बचा कर रखा है कि यह हमारे बुरे समय में काम आएगा, लेकिन वर्तमान समय में आप धन अर्जित नहीं कर रहे हो। तो वह बचा हुआ धन तभी तक काम आएगा जब तक कि वह है, अर्थात वर्तमान समय में बचाए हुए अर्जित धन को अब खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब आप कोई भी धन अर्जित नहीं कर रहे हैं और बचे हुए धन को खर्च किए जा रहे हैं। तो जिस दिन वह धन पूर्ण रूप से खर्च हो जाएगा, उस दिन से आपके परेशानी के दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी तरह पिछले जन्म के अच्छे कर्म फल जो शेष रह जाते हैं, वह हर एक मनुष्य को अगले जन्म में मिलते हैं। अब मनुष्य अच्छा और बुरा कर्म दोनों करता है तो उसे दोनों ही कर्म फल प्रदान किए जाते हैं। तो हमने अच्छे कर्म फलों को तो भोग लिया, अब बचा बुरा कर्म फल, उसे भी तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर नहीं रहे हैं तो पिछले जन्म का बुरा कर्म फल और इस जन्म का बुरा कर्म फल दोनों ही जब मिल जाता है और पुण्य कर्म फल खत्म हो जाता है, अर्थात वह जब खर्च हो जाता है, तो फिर मनुष्य की दुर्गति शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पापी अधर्मी मनुष्य सुखी देखे जाते हैं या फिर भगवान उन्हें सुख देते हैं। अब रही बात अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, तो मित्रों यहाँ भी वही बात आती है। जो मनुष्य इस जन्म में पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म फल खर्च हो रहे हैं और पिछले जन्म के पुण्य कर्म फल शेष रहते हैं। तो जो मनुष्य इस जन्म में भी पुण्य कर्म फल को अर्जित कर रहा है और उसके पिछले जन्म के भी पुण्य कर्म फल शेष बचे हुए हैं, तो शुरुआत में तो वह अपने बुरे कर्म फल को खर्च करके दुखों को भोग लेता है, लेकिन इसके बाद इस जन्म के भी पुण्य कर्म फल और पिछले जन्म के भी पुण्य कर्म फल जब दोनों ही मिलते हैं तो मनुष्य के जीवन में सुख ही सुख होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। दोस्तों, भगवान का ऐसा ही नियम है। मित्रों, यह सब बातें गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। अब मित्रों, आपके मन में अगर यह भी प्रश्न आ रहा होगा, किसी जन्म के कर्मफल भगवान हमें इसी जन्म में क्यों नहीं प्रदान करते, तो दोस्तों हमारे कुछ कर्मफल ऐसे होते हैं जो हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मफल ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान हमें अगले जन्म में प्रदान करते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, जैसे कि चावल, गेहूँ या फिर कोई भी इसी तरह का पदार्थ है। अब आपके पास वर्तमान समय में उसको रखने के लिए एक ही पात्र है, लेकिन वह वस्तु जो उसमें रखी जानी है वह ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? मित्रों, आप यही करेंगे कि जितना उस पात्र में वह वस्तु समा रही है उतना ही आप उसमें रखेंगे, और बचे हुए चावल या गेहूँ को रखने के लिए आप दूसरा पात्र लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो वस्तु है, जैसे कि चावल या गेहूँ, वह हमारा कर्मफल है जो हमने अर्जित किया है, और जो पात्र है जिसमें हम अपने कर्मफलों को डाल रहे हैं वह हमारा जन्म है। तो बचे हुए वस्तु को हम दूसरे पात्र में रखेंगे, अतः वस्तु हमारा कर्मफल है और पात्र हमारा जन्म है। ठीक इसी तरह जब हमारे अच्छे या बुरे कर्मफल ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम उन कर्मफलों को एक जन्म में नहीं भोग पाते, तो परमात्मा हमें उन कर्मफलों को भोगने के लिए, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि कर्मफलों को भगवान हमें अगले जन्म में प्रदान करते हैं, और वह ऐसे कर्मफल होते हैं जो पिछले जन्म में शेष बचे रहते हैं। दोस्तों, आप अगर पुण्यात्मा हैं, धर्म से अपने मार्ग पर चल रहे हैं, आपके हृदय में जीव जंतुओं के प्रति एवं मनुष्यों के प्रति दया की भावना है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो यह कभी भी मत समझिए कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ पिछले जन्म के बचे हुए बुरे कर्म फल जो शेष रह गए थे उन्हें आप अभी खर्च कर रहे हैं, इसलिए आप अभी दुखी हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में जब आपका इस जन्म का पुण्य कर्म फल और पिछले जन्म का पुण्य कर्म फल मिल जाएगा, तो आप परम आनंदित हो जाएंगे, परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन वहीं पर जो पापी मनुष्य हैं, अपने पुण्य को जो खर्च कर रहे हैं, और जिस दिन उनका बुरा कर्म फल पिछले जन्म का और इस जन्म का दोनों ही जब मिलेगा, तो उनका नाश होना निश्चित है। मित्रों, इस संसार में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता, हर एक कर्म का फल निश्चित ही मिलता है, लेकिन वह अपने समय आने पर ही मिलता है। एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है, और उसी पौधे को एक वृक्ष बनने में भी समय लगता है, और उस वृक्ष में फल आने पर भी समय लगता है, और उन फलों को पकने में भी समय लगता है, लेकिन वह अपने निश्चित समय पर ही पौधा बनता है और अपने निश्चित समय पर ही वृक्ष बनता है,
और अपने निश्चित समय पर ही उसमें फल लगता है और अपने निश्चित समय पर ही वह फल पकता भी है। तो मित्रों, कर्म का फल जरूर पकता है, लेकिन उसका समय ईश्वर अपने नियम के हिसाब से निर्धारित करता है। दोस्तों, कर्म और समय के खेल को जो समझ गया वह कभी भी बुरा कर्म नहीं कर सकता, लेकिन अज्ञानी लोग ही अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित कर देते हैं, बुरा कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय आनंद आता है, लेकिन यह आनंद नाश का कारण कब बन जाता है यह उन्हें पता नहीं होता। मित्रों, कुछ कर्मों के फल तो हमें इसी जन्म में मिल जाते हैं जिन्हें हम क्रियामान कर्म कहते हैं, लेकिन जो हम इस जन्म में कर्म फलों को संचित कर रहे हैं वह हमें अगले जन्म में प्रारब्ध कर्म बनकर हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि जो हम पिछले जन्म में कर्म फलों को संचित किए हैं वही संचित कर्म फल आज हमारा प्रारब्ध कर्म फल है, वही संचित कर्म फल आज हमें प्रारब्ध कर्म फल बनकर मिल रहा है, जिसे हम अपना भाग्य या किस्मत कहते हैं। जीवन में अगर कभी भी दुख है, कष्ट है, विपरीत परिस्थितियों में यह समझ जाइए कि हमारे बुरे कर्म फल खर्च हो रहे हैं, अर्थात हमारे बुरे कर्म फल नष्ट हो रहे हैं। आप यह मान लीजिएगा कि ईश्वर आपके कीचड़ से सने हुए जीवन को धोकर शुद्ध कर रहे हैं और आगे आने वाला जीवन आपका सुकून भरा होगा। मित्रों, एक छोटा सा बच्चा जब बाहर मिट्टी में जाकर खेलता है तो वह कीचड़ से सना हुआ होता है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटती भी है, मारती भी है, पीटती भी है, कान पकड़कर खींचती भी है, उसे दंड भी देती है, लेकिन वह शुद्ध जल से उसे धोकर गंदे कीचड़ से उसे मुक्त कर देती है। बच्चा उस समय सोचता है, यह कैसी माँ है जो मुझे प्रताड़ना दे रही है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि उसके भले के लिए ही उसकी माँ यह सब कर रही है। इसी तरह वह परमात्मा हमें दुख और कष्ट देकर हमारे बुरे कर्म फलों को खर्च करवाता है और हमारे कीचड़ से सने हुए इस जीवन को एक माँ की तरह नहला धुला कर शुद्ध कर देता है, और हम यही सोचते हैं कि भगवान हमें दुख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मित्रों, आशा करते हैं कि यह विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।